हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा ब्यूटी हब। सो आपने देख लिया होगा कौन सा हेयर स्टाइल मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप मेरे पार्लर को थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं इस वक्त, क्योंकि जब क्लासेस चलती हैं तो पार्लर बहुत ज़्यादा बिखर जाता है, तो प्लीज़ उसे इग्नोर करिए। एंड यहाँ पर मैं जो हेयर स्टाइल दिखा रही हूँ उसमें आप फोकस करिए। बहुत ईजी हेयर स्टाइल है, आप एक बार ही देखो कि आपको समझ में आ जाएगा। तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हो, बेल आइकन को हिट करना मत भूलना। आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम फेसबुक पे, और आप मेरे दूसरे चैनल को भी वैसे सब्सक्राइब कर सकते हो अच्छा लगे तो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर टू पार्ट में डिवाइड कर ली हूँ मेरे जो स्टूडेंट है उसके हेयर को, और क्रिम्पिंग करना है फ्रंट का हेयर स्टाइल के लिए आपको क्रिम्पिंग करना पड़ता है। क्रिम्पिंग करने से हेयर स्टाइल बहुत सुंदर बनती है, और जिनकी हेयर में वॉल्यूम नहीं होता है वो अच्छा खासा वॉल्यूम बन जाता है क्रिम्पिंग करने की वजह से। तो यहाँ आप देख सकते हो मैं आइकॉनिक का मिनी क्रिम्पर यूज़ कर रही हूँ, तो आप मिनी क्रिम्पर लोगे उसी से आपका काम बन जाएगा। सो इस वीडियो में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, आप लोग सिर्फ देखिए। और एक बात, मुझे बहुत कमेंट आते हैं कि बैक कॉम्ब को कैसे क्लीन किया जाता है, बहुत ज़्यादा हेयर फंस जाता है तो उसे कैसे हम अच्छे से टैंगल फ्री कर सकते हैं। तो अभी मैंने इस वीडियो में जिनका हेयर स्टाइल कर रही हूँ मेरी स्टूडेंट का, इसी का मैंने एक वीडियो बना लिया है जिसमें मैंने दिखाया है कैसे आप बैक कॉम्ब जो करते हो हेयर फंस जाते हैं उसको कैसे ईजिली आप सही कर सकते हो, वो भी आपका हेयर फॉल भी नहीं होगा, हेयर भी नहीं टूटेगा। वो मैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे अपलोड करूंगी, आप लोग जरूर से देख लीजिएगा। तो इसके लिए मुझे आप फॉलो कर लेना, क्योंकि बैक कॉम्बिंग करने से हेयर बहुत ज़्यादा फंस जाता है, जो कि उसे टैंगल फ्री करने में बहुत दिक्कत होती है। मुझे बहुत भर भर के कमेंट आते हैं कि इसकी मैं वीडियो बनाऊँ, तो मैंने वीडियो बना ली है, बहुत जल्दी वो मैं अपलोड कर दूंगी। तो देखिए आप, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, बस आप वो देखते जाइए और सीखते जाइए। तो अब मैं नहीं आ रही हूँ, बाकी पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर लेना। तो अब आप लोग ध्यान से देखिए कि मैं कैसे हेयर स्टाइल बना रही हूँ, और ये हेयर स्टाइल आप इंगेजमेंट में कर दे सकते हो, गाउन के साथ दे सकते हो, इनफैक्ट आप रिसेप्शन में भी दे सकते हो, डिपेंड करता है ड्रेस के ऊपर ना। अब आप लोग देखिए,
यहाँ पर मैं आपको इस तरीके से दिखा रही हूँ, आप पीछे में किसी भी तरीके से जुड़ा कर सकते हैं। मैं जस्ट रफली आपको दिखा दे रही हूँ यहाँ पर। मैंने सोचा था सिर्फ फ्रंट की ही दिखाऊंगी हेयर स्टाइल, बट सबने कहा कि नहीं दीदी आप ये एक्सटेंशन भी लगा के दिखा दो, तो इसलिए मैंने बोला चलो ठीक है दिखा देते हैं। तो आप बैक में अच्छे से जो भी जुड़ा किया है उसे अच्छे से सिक्योर कर लेंगी, एंड मुझे ऑनलाइन में ये अगर मिल जाती है तो मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक। अगर ऑनलाइन मुझे नहीं मिलती है तो फिर मैं लिंक नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मैंने ऑफलाइन परचेज किया है। कहाँ से लिया है मैं ये बता देती हूँ, मैंने इसे लिया है कोलकाता के स्प्लेंडेड न्यू मार्केट से, तो जो कोलकाता में रहते हैं वो वहाँ पर जाएंगे तो मिल जाएगी। एंड ऑफलाइन मैंने लिया है, आप लोगों को हर जगह ही मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी कितना खूबसूरत लग रहा है, और पूरा वीडियो आप लोग ऑफकोर्स देख ही रहे होंगे जब यहाँ तक देख रहे हो, तो फाइनल रिजल्ट है ये। कैसा लगा जरूर बताना और एक बार ट्राई जरूर करना। और ये वाली हेयर स्टाइल छोटे फेस में चली जाएगी, मीडियम फेस में भी चली जाएगी, और बहुत बड़ी जिनकी फेस होती है उनमें भी चली जाएगी। लेकिन बस आप फ्रंट में जो है थोड़ा सा निकालना जरूर से, ताकि बहुत ज़्यादा फेस बड़ा ना लगे। तो चलिए यही था मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।